हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस वक्त मैं हूँ सवाई माधोपुर में और मैं आज आया हूँ रणथंभौर फोर्ट में। और रणथंभौर फोर्ट में है यहाँ का फेमस त्रिनेत्री गणेश मंदिर। तो मैं आज आपको दोनों चीज़ घुमा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। आपको पता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज से शामिल है, तो मैं आज आपको घुमा रहा हूँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज। दोस्तों मुझे लगता है इस फोर्ट तक जाने के लिए हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगे। देखते हैं कैसा है, धूप हो रही है लेकिन अब जाना है तो जाना है। रणथंभौर फोर्ट का निर्माण महाराजा जयंत ने कराया था और रणथंभौर का जो सबसे फेमस शासक था हमीर देव, जिसने यहाँ काफ़ी टाइम तक शासन करा, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीत के अपने राज्य में मिला दिया और फिर इससे मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई। ये आ गया एक और गेट और मैं जा रहा हूँ अंदर। रणथंभौर फोर्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें देखने को हैं, जिसमें सबसे फेमस है गणेश मंदिर। और यहाँ पे गणेश मंदिर में मेला भी लगता है। के पास ही रणथंभौर नेशनल पार्क की सफारी के लिए सफारी मिल जाती है और यहीं पर इसके एक से लेके पाँच तक गेट हैं जहाँ पे आप सफारी कर सकते हैं। तो जब आप सफारी के लिए आते हैं तो सफारी करने के बाद आप इस फोर्ट को घूम सकते हैं। दोस्तों इस फोर्ट के आने के रास्ते में बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं और लंगूर भी मिलते हैं, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपके हाथ में कुछ सामान हो तो छीन भी सकते हैं। चलिए गणेश मंदिर।
दोस्तों तो मैं गणेश मंदिर में पहुंच चुका हूं। इस गणेश मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ गणेश जी के 3 नेत्र हैं। चलो अब मैं मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूं और देखिए मेरे साथ त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर का फेमस टेम्पल। दोस्तों मैंने गणेश मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ गणेश जी के 3 नेत्र हैं इसलिए इसको त्रिनेत्री गणेश मंदिर भी कहते हैं। जब आप रणथंभौर आएँ तो गणेश मंदिर के दर्शन जरूर करें। अब मैं आपको रणथंभौर पार्ट के अदर पार्ट्स में घुमाता हूँ, चलिए मेरे साथ। इस किले के अंदर कई मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, कालिंका माता मंदिर, गणेश मंदिर। तो जब आप इस फोर्ट में घूमने आते हैं तो इतिहास के साथ साथ आपको भगवान के दर्शन भी होंगे। दोस्तों अब मैं कालिका मंदिर में आ गया हूँ। दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है यह है 32 कंबा छतरी। चलो आपको दिखाता हूँ मैं। इस फोर्ट के अंदर इतने रास्ते हैं कि कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से अंदर जाना है, कहाँ से बाहर जाना है। इसलिए अगर आपके साथ कोई गाइड नहीं है तो आप लोगों से पूछ के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी साइन बोर्ड नहीं बना हुआ है कि आप ये रास्ता किधर जाता है, कहाँ जाता है। अब मैं एक दरगाह में पहुंच गया हूं। यह दरगाह है हरजत पीर काजी जनाब की और मैं अब दरगाह के अंदर जा रहा हूं, मिलता हूं आपसे। दोस्तों रणथंभौर फोर्ट का मेरा सफर पूरा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फोर्ट को घूमने में लगते हैं 2 या 3 घंटे। अगर आपकी फिटनेस सही है तो आप इसको आराम से पैदल घूम सकते हो। और इस फिटनेस की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि वो फोर्ट काफ़ी बड़ा है और इसमें आपको काफ़ी पैदल चलने की ज़रूरत है। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी दूसरी ट्रिप में।